जय मां जगदम्बा। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक महावशीकरण रति कामदेव का संभोग वशीकरण मंत्र बताऊंगा। और सबसे पहले आपको सावधान कर दूं कि इसका गलत प्रयोग ना करें। इस मंत्र को हमने सिद्ध करके रखा है और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं मित्रों, ताकि जिनके वैवाहिक जीवन में वह सुख नहीं है, दाम्पत्य लाभ नहीं उठा पा रहे, परेशानी है, तो इसका सिर्फ एक बार प्रयोग से ही वह अपनी वैवाहिक जीवन का संभोग का आनंद उठा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रकार के मंत्र या साधना को करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिएगा कि जब भी कभी भी आप साधना करने जाएं या फिर किसी भी गुरु के पास भी अगर साधना किए होंगे तो सर्वप्रथम यही चीज सिखाया जाता है कि भावना शुद्ध रखिए, क्योंकि यह सृष्टि या संसार पूरी तरह से भावना पर ही आधारित है। भाव ही सब कुछ है मित्रों, इसीलिए आप कोई भी एक ही मंत्र को करिए, अगर आपने उसमें पूरी तरह से भावना के साथ डूब कर कर लिया तो निश्चित मानिए वह सिर्फ एक मंत्र ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। लोग बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझसे वशीकरण नहीं हो रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं होता। मंत्रों में नहीं, गलती खुद के अंदर होती है। और सबसे बड़ी जो गलती है वही है आप भावना रहित होते हैं, सिर्फ शब्दों को जाप करते हैं, शब्दों में नहीं उसकी भावनाओं में उतरना है। तो आपको एक अचूक वशीकरण रति कामदेव का जो प्रयोग करना है, जो सिद्ध हो चुका है, वह अचूक है और आपको तभी प्रयोग करना है जब बहुत जरूरी हो। जी हाँ, इसके लिए कुछ चीजों का, सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस विधि को आप शुक्रवार से ही प्रारंभ कर सकते हैं, 3 दिन तक सूर्य उदय से पहले। जी हाँ, जाप के लिए तुलसी की माला लेनी है और 101 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्लीम रति काम देवाय अमुकी मम संभोग कुरु कुरु फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए। ओम क्लीम रति काम देवाय अमुकी मम संभोग कुरु कुरु फट स्वाहा। जहां पे अमुकी है वहां पे आपके साथी का नाम लेना है और बस कुछ नहीं। इतना कर देने के बाद जो शक्ति पैदा होगी वह खुद ब खुद उस व्यक्ति के ऊपर असर कर देगा। अगर वह आपसे दूर है तो खुद ब मिलने आ जाएगा, अगर पास में है तो आपको